आज के लेक्चर में हम SEO के रैंकिंग फैक्टर्स को देखेंगे, मगर इससे पहले कि हम SEO के रैंकिंग फैक्टर्स को गहराई में देखें, मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे देता हूँ अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। SEO के जो हमने आज 10 रैंकिंग फैक्टर्स पढ़ने हैं, उनमें से ये है कि अपनी वेबसाइट को सिक्योर एक्सेसिबल कैसे बनाया जाए, आपकी पेज स्पीड और इंक्लूडिंग मोबाइल पेज स्पीड चेक कैसे करनी है, बेहतर कैसे करनी है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस कैसे इंक्रीज की जानी है, डोमेन एज यूआरएल अथॉरिटी किस तरह आपकी वेबसाइट पे अफेक्ट करती है, अपना कंटेंट कैसे ऑप्टिमाइज करना है। टेक्निकल एसईओ की रू में हम थोड़ा सा जाएंगे, यूजर एक्सपीरियंस लिंक्स सोशल सिग्नल्स और रियल बिजनेस सॉल्यूशंस भी देखेंगे। लेक्चर थोड़ा बड़ा, हम इंशाल्लाह जितना आधे घंटे में कवर होता है कवर कर लेंगे, फिर बाकी हम अगले लेक्चर में मार देंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम इन फैक्टर्स में एसईओ को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एसईओ में रैंकिंग क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, जब आपकी वेबसाइट SEIP बनकर सर्च इंजन रैंकिंग पोजीशन में रैंक होने लग जाती है, तो वो रैंकिंग कहलाती है। एसईओ के अंदर रैंकिंग पोजीशन लाजमी नहीं आपको हमेशा पहले मिले या पहले पेज पे मिले। आपने कोशिश करनी है कि आपका कंटेंट ऑन पेज ऑफ पेज की गाइडलाइंस को इतना फॉलो कर रहा हो कि अपने आप वो रैंक करने लग जाए। उसके लिए आप 0 नंबर पे आ जाए, 1 नंबर पे आ जाए या 150 नंबर पे आ जाए। एक बार आप रैंक होने लग गए, फिर आप उसके ऊपर काम के इंशाल्लाह इंक्रीज होते जाएंगे। एक SEO के अंदर बहुत पुराना जोक है कि अगर आपने लास्ट को छुपाना है ना गूगल के अंदर, तो आप उसे पेज नंबर 2 पे छुपा दें, क्योंकि कोई भी पहले पेज से दूसरे नंबर पेज तक जाता है, इससे सारे के सारे पेज नंबर 1 पे मिल जाते हैं। अब आप ये ग्राफ को अगर गौर से देखें, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि लोग यूजली पहले से 5वें पेज तक सारे के सारे उन्हें 400K क्लिक्स हो जाते हैं, क्लिक रेट ही है। फिर उससे आगे लोग बहुत कम जाते हैं, 0s and 10s में लोग जाते हैं, इतना लोग जाते ही नहीं। उन्हें अपने आप से पहले पेज पे मिल जाता है, अगर पहले पे नहीं मिलता दूसरे तीसरे 10वें तक वो कम्प्लीट हो जाता है। इसलिए हमारी हमेशा कोशिश होती है कि 0 से 100 तक आपका रिजल्ट पहले रैंक होना लग जाए, और अगर इसके अंदर रैंक होने लग गया तो मैं इनके आप सही रास्ते पे हैं, फिर आप उसे ऑप्टिमाइज करें तो इंशाल्लाह बेहतर फर्क आ जाएगा। यूजली SEO के अंदर जब आपने किसी पेज को रैंक करते हैं ना, तो उसके 3 काम होते हैं। गूगल के स्पाइडर या कोलर्स होते हैं जो कि AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, और वो आपके पेज को एक एक चीज़ की छानते हैं, उसका कंटेंट देखते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, उसकी बैकलिस्ट देखते हैं, और देखते हैं कि वो ऑप्टिमाइज कितना है। फिर उस पेज को वो अपने इंडेक्स में डाल देते हैं, फिर उस इंडेक्स को कैटलॉग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सर्च करता हूँ हाउ फास्ट चीता रन्स, तो इसके ऊपर गूगल ने पहले से गोल किया हुआ है, ये आपको जो पहले नंबर पे रैंक दिखाई दे रहा है ये 0 रैंकिंग है, नंबर 0। दूसरे नंबर पे जो वीडियोस आ रही हैं ये गूगल यूट्यूब रैंकिंग्स हैं, 0.05। और जो पहले नंबर पे रैंक आ रहा है ये आपका पहली रैंकिंग होगी। अब आपने कोशिश करनी है कि आप इन तीनों रैंकिंग्स को ऑप्टिमाइज करें अपने लिहाज से, अपनी 0 रैंकिंग को इम्प्रूव करें, अपनी यूट्यूब रैंकिंग को इम्प्रूव करें और अपनी पेज रैंकिंग को इम्प्रूव करें। क्योंकि अगर आप एक जगह से भी क्लिक थ्रू रेट हासिल करने लग जाएंगे तो बाकी चीज़ों पर भी वो इफेक्ट करने लग जाएगा। वापिस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो लेकिन यहाँ पे यहाँ तक हम लाएंगे कैसे इसको, मतलब 1 तक? जी, रैंकिंग याद है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि गूगल आपकी वेबसाइट को 200 रैंकिंग फैक्टर्स के ऊपर जज करती है। आपने हाँ उन जी, दो, सही है। हाँ जी, आपने उन 200 रैंकिंग फैक्टर्स को बेहतर करना है। उन 200 रैंकिंग फैक्टर्स में से कुछ मेजर रैंकिंग फैक्टर्स पे हम आज बात करेंगे और उन्हें कैसे बेहतर करना है उसके ऊपर भी देखेंगे। अब गूगल सर्च रैंकिंग काम कैसे करती है, मैंने कहा गूगल कैसे देखता है कि आपका पेज जो है इस कीवर्ड के लिए रेलिवेंट है या नहीं है। पहले बोट आएगा, आपकी वेबसाइट का पर्पस देखेगा, आपने टाइटल क्या लिखा हुआ है। अगर आपने टाइटल लिखा हुआ है हाउ फास्ट चीता रन्स, तो गूगल अपने आप समझ जाएगा इसका कंटेंट मेरे कंटेंट से बहुत मिलता जुलता है, तो इसका पर्पस भी मैच करता है, अपने आप इसे पहले नंबर पे रैंक ले आओ। इसलिए टाइटल जितना अच्छा आपका होगा, जितना एंगेजिंग होगा, उतना ज्यादा आपको रैंक करने में आसानी होगी। ये आपका हो गया टाइटल ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा, आपकी कंटेंट की क्वालिटी और अमाउंट। आज से कुछ साल पहले अगर आप छोटा कंटेंट भी लिख देते थे और वो क्वालिटी का होता तो ऑप्टिमाइज था तो आपको अच्छे नंबर पे रैंक करवा देता, मगर अभी ये रूल चेंज हो गया है। अब गूगल इसके साथ साथ EAT भी देखता है और अमाउंट भी देखता है कि आपका कंटेंट कितना क्वालिटी का है और कितना लंबा है, उस पर लोग कितनी देर तक आके रुक रहे हैं,
और उसके ऊपर जब लोग रुक रहे हैं तो उन्हें फायदा हो रहा है या वो बाउंस कर रहे हैं, या कि क्वालिटी कंटेंट अमाउंट में काउंट हो रहा है। तीसरा पॉइंट आपकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन और कंटेंट क्रिएटर की इन्फॉर्मेशन। जब अपना अबाउट अस लिखते हैं ना वेबसाइट के अंदर, उसपे आप कितनी डिटेल डालते हैं, अपने बारे में क्या क्या बताते हैं, गूगल के ह्यूमन रिसर्चर्स आपकी वो डिटेल्स चेक को वेरीफाई करते हैं कि ये बंदा यहाँ जो कह रहा है कि मेरे पास इतनी डिग्री सर्टिफिकेशन है, क्या सच में है या नहीं है। और वो फिर एक एल्गोरिथम के अंदर लगा देते हैं, फिर वो उन्हें वेरीफाई करके आपको बताते हैं कि इसका एल्गोरिथम सच कह रहा है, झूठ बोल रहा है। और उसके लिए ऐसे फिर आपको वो EAT प्रोवाइड कर देते हैं अथॉरिटी मैनी के। आपकी रेपुटेशन और कंटेंट क्रिएटर की रेपुटेशन भी वो बाय टाइम बिल्ड होती है, जिसे हम DA भी कहते हैं, डोमेन अथॉरिटी, और क्या कहते हैं, ऑथर अथॉरिटी, डबल ए। एक है DA और एक है डबल ए, एक है डोमेन अथॉरिटी और एक है ऑथर अथॉरिटी। मेरा नाम मोहसिन जावेद है, मैं काफी 10 सालों से कंटेंट वेबसाइट पे डाल रहा हूँ लोगों की वेबसाइटों पे, तो मेरे नाम पे एक अथॉरिटी बन गई है। और अगर मैं उस अथॉरिटी को यूज करके किसी और बिल्ड पे करूंगा तो वो अथॉरिटी वहाँ पे भी ट्रांसफर हो जाएगी। मगर ये अभी एक्सपेरिमेंटल फेजिस में है, इसे अभी उन्होंने फुल लॉन्च नहीं किया, अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसके ऊपर। मगर मुझे लगा कि बाय द एंड ऑफ 2021 या 2021 के स्टार्ट में ये भी रिलीज हो जाएगा। यूजर इंटरेक्शन विद द पेज, कि यूजर जब आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो कैसे इंटरेक्ट करता है, कितनी देर तक रोकता है, बाउंस करता है कि नहीं करता, और दूसरी चीजें इस पर असर करती हैं। अब आखिर वाला जो आप कहते हैं EAT, ये नया उन्होंने लॉन्च किया 2019 के मिडिल के अंदर। ये एक मोड है जो कि आपकी वेबसाइट की एक्सपर्टीज, अथॉरिटी और ट्रस्टवर्दीनेस को डिफाइन करता है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में थोड़ी देर में बात करते हैं। अभी मिसाल के तौर पे आप जब वेबसाइट पे सर्च करते हैं ना WordPress for beginners, तो आपको उसके ऊपर रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। इसमें जब आपको रिजल्ट मिलते हैं तो रिजल्ट 3 किस्म से बांटे जाते हैं। जैसे मैं पहले बताया था, पहले नंबर पे जीरो, जी ये होता है जीरो रिजल्ट। ऐसा रिजल्ट जिसके ऊपर आप क्लिक नहीं करते हैं मगर उससे आपको सवाल का आंसर मिल जाता है। ये रिजल्ट आपके आपकी ट्रस्ट वर्दीनेस बताता है। दूसरा रिजल्ट होता है यूट्यूब या गूगल रिजल्ट, गूगल वीडियो रिजल्ट, ये आपकी एक्सपर्टीज बताता है। और तीसरा रिजल्ट जो कि SERP है, ये आपकी अथॉरिटी बताता है। यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ लें। नहीं नहीं ठीक है। रसोला भाई आपको भी बात समझ में आ रही है? सारी जी 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 समझ आ रही है, कंटिन्यू करें। चलो ठीक हो गया। अभी EAT जो है वो ये कितना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगस्त 2018 के अंदर गूगल ने एक नई अपडेट निकाली थी मेडिक अपडेट के नाम से, जिसके अंदर उसने एक्सपर्टीज, अथॉरिटी, ट्रस्टवर्दीनेस के बारे में क्या कहते हैं राय दी थी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और ये हाई क्वालिटी कंटेंट की निस्बत हाई EAT को क्यों प्रेफर कर रहा है। गूगल के रिजल्ट जो हैं वो जानलेवा भी हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अगर कोई आदमी रिसर्च करता है किसी ऐसी बीमारी के ऊपर कि क्या उसे ये बीमारी है या उसे ये दवाई लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, अगर उस टाइम पे उसे कोई गलत बीमारी या गलत दवाई का मशवरा मिल जाए, वो दवाई खा के फोत हो जाए या मर जाए या कोई और मसला हो जाए जो कि उसकी सेहत के लिए या माली तौर पर नुकसान पहुँचा दे, तो ये गूगल के लिए नुकसानदेह होता है क्योंकि उसका सर्च पे अफेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए गूगल ने EAT अपडेट निकाली थी मेडिक अपडेट के थ्रू। इसके अंदर होता यूँ है कि आपकी वेबसाइट की एक्सपर्टीज, अथॉरिटी, ट्रस्टवर्दीनेस को देखते हुए आपको रैंक करता है। अगर आपकी वेबसाइट जो है काफ़ी ऐसे इसी डोमेन में है, उसकी अथॉरिटी डेवलप हो चुकी है, हर कोई इस पर यकीन रखता है, तो लाजमी बात है उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो भी एक्यूरेट होगी। इसके लिए गूगल ने एक टर्म निकाली थी कि अगर आपकी वेबसाइट YML YL कैटेगरी में आती है तो आपको रैंक करने में इसलिए मुश्किल होगी। अब आपने आगे जो प्रोजेक्ट पकड़ने हैं ना, तो उनमें ये ध्यान रखिएगा कि आप मेडिकल साइट, फाइनेंशियल प्लानिंग साइट या ऐसी वेबसाइट जिसके जिसे किसी खुशी, सेहत या पैसे का असरअंदाज हो रहा हो ना, तो उस पर ये YML YL प्रोटोकॉल लग जाती है, योर मनी और योर लाइफ प्रोटोकॉल। और इस प्रोटोकॉल के लिहाज से आपको रैंक करने में मसला हो सका, तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को जब वो देख दू के पकड़ना है, और जब पकड़ लें फिर उस बात का ध्यान रखना कि अब इसे रैंक कैसे करवाना है, क्या उसकी पहले से डोमेन अथॉरिटी है, क्या वो एक्सपर्टीज रखता है इस मार्केट के अंदर,
क्या उसकी अथॉरिटी इतनी है कि वो अपने कंपटीशन को बीट कर सके, फिर इन चीजों को देखते हुए आपने इस तरह प्रोजेक्ट को पकड़ना और फिर आगे लगाना। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। अब ईएटी जो है, ईएटी के बारे में जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है ना वो गूगल के अलावा कोई नहीं जानता, मगर इसके बारे में बेसिक ये है कि गूगल ने इंजीनियर्स रखे हुए जिन्होंने एक एल्गोरिथम क्रिएट किया था सर्च रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए। उन इंजीनियर्स के नीचे काम करते हैं क्वालिटेटर्स जो कि ह्यूमन रिसर्चर्स हैं, वो इस एल्गोरिथम के रिजल्ट्स को वन बाय वन चेक करते हैं और देखते हैं क्या ये जो सवाल मैंने पूछा था ऊपर कि क्या मैं सर दर्द हो रहा है तो मैं डिस्पिन खा लूँ, उसके आंसर जो आया है क्या वो सही है, क्या वो अगर मैं यूज करता हूँ तो क्या मुझे जानी माली या किसी खुशी का या गम का नुकसान होगा या नहीं होगा। अगर तो एल्गोरिथम के लिहाज से सही है तो गूगल के मोटिक एल्गोरिथम को वो अपडेट कर देते हैं इन द मेन एल्गोरिथम, अगर उसमें कोई मसला है तो उस फीडबैक को वापस क्वालिटी रेटर्स जो है इंजीनियर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। इवन तो ये परफेक्ट सिस्टम नहीं है मगर ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है और गूगल इसकी एक्यूरेसी से क्या कहते हैं खुश हो के अब इसे परफेक्ट रोल आउट देने वाला है। ठीक हो गया, चलें आगे चलते हैं। अब आप इस अपनी ईएटी को इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ टिप्स मैंने इधर लिखे हुए हैं उनके पर बात कर लेते हैं। अपने ईएटी मैंने अच्छा मोहसिन भाई जी ये जो आपने कहा कि आपने फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट पकड़ने हैं उसमें ईएटी ये जो आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट वर्थनेस या जो भी ये मेडिसिन के लिहाज से इनको पकड़ना और इनको रैंक करवाने में तो फिर काफी मुश्किल होती होगी, और इस लिहाज से अगर देखा जाए और इनकी जब एसईओ करेंगे उस हिसाब से उसका बजट है और ये उसकी जो हम कंटेंट है और जो जितनी भी चीजें जी बिल्कुल ऐसी है, उनका बजट भी ज्यादा होगा, उन पे काम भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा और उनकी पहले से जो ईएटी है ना वो भी इस पे इफेक्ट करेगी कि पहले उसकी एक्सपर्टीज अथॉरिटी और ट्रस्टवर्थनेस कितनी है। अगर तो पहले से उसका ईएटी स्कोर अच्छा है तो आप मनी कम बजट में भी पकड़ लें, और अगर उसका ईएटी जीरो से अभी नया नया प्रोजेक्ट है तो उसे आपको मनी के अच्छा भला बजट लेके काम करना पड़ेगा। ये ना कि आप फाइनेंशियल की वेबसाइट या हेल्थ की वेबसाइट पकड़ लें और उसे कम बजट पे आप करने के लिए लग जाएं। ये मीन के जितनी भी ये मेडिकल की वेबसाइट्स हैं या इस तरह की वेबसाइट हैं उनको देखकर पकड़ना है जी बिल्कुल, उन पे अगर पहले से काम नहीं किया हुआ तो जी। अच्छा मैं आपको बात बता दूं, ईएटी जो है अभी फुली रिलीज नहीं हुआ, ये भी 2018 के अंदर इसके मेडिक अपडेट आया था जो कि मेडिक अपडेट होता है कि वो उसमें चेंजेस कर रहे हैं, लगातार चेंजेस हो रहे हैं उसमें, मगर अभी फुल रोल आउट होगा बाय द एंड ऑफ 2020 या 2020। हाँ जी हाँ जी, ये अब इशू कर दिया, ये अब हो जाएगा। हाँ ये होगा, पक्का होगा, कोविड की सिचुएशन भी है जी, और ये बिल्कुल 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 सही पहुंचे हैं, इसीलिए मैं आपको ईएटी से स्टार्ट करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है और लोग इसे इतनी इंपोर्टेंस नहीं दे रहे हैं आजकल की मार्केट के अंदर। ये जितना इसने हैवी फैक्टर बन के भी मार्केट में आना है ना, काफी रिजल्ट्स ने हिल जाना है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि आजकल के जमाने में कोविड के जमाने में बहुत सारे लोग मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ये मिस इन्फॉर्मेशन इन द लॉन्ग रन हमें इफेक्ट कर रही है। गूगल उसको बिल्कुल रैंक नहीं करेगा, जो भी वेबसाइट इस तरह के जिसके रिव्यूज नेगेटिव में जाएंगे या जीरो में जाएंगे जो वेबसाइट उन्होंने लॉन्च की हुई है रैंक तो करेगा, मगर रैंकिंग गंदी मिलेगी उन्हें, रैंक बिल्कुल करेगा, रैंकिंग नहीं गूगल कभी छोड़ेगा ना। बात शायद है कि उन्होंने खुद मना ना हो कि आप माई वेबसाइट रैंक ना करें, अगर आपने ज्यादा दी है तो गूगल रैंक करेगा क्योंकि ये उसका काम है, मगर वो फिर आपको इतनी गंदी रैंकिंग देगा कि जो ना होने के बाबे 200 से पीछे या बहुत ही ज्यादा पीछे रैंकिंग दे देगा जो कि ना होने के बाबे होती है। ठीक, आपने पर्सनली कोई काम किया वैसे ईएटी इस एल्गोरिथम इसके तहत आपने कोई काम किया किसी वेबसाइट? मैंने इसके पर रिसर्च की है मगर मैंने वेबसाइट को इस तरह की पकी नहीं अभी तक, मैंने इस तरह इसकी काम लिया ही नहीं कोई, सही बात बताऊं मैं यूजुअली ठंडे प्रोजेक्ट पकड़ता हूं जो कि इजीली कर सकूं मैं। ठीक कह रहे हैं, आगे चलें या कोई क्वेश्चन है? नहीं चलें ग्रेट हो गया। अब ईएटी अगर आप प्रोजेक्ट पकड़ लेते हैं तो उस ईएटी वाले प्रोजेक्ट में अपनी रैंकिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहला काम आप ये करें कि अपना अबाउट अस पेज जो उन्हें डिटेल में लिखें और उसके अंदर जितना सर्टिफिकेट्स डाल सकते हैं, जितनी चीजें आप ऐसी डाल सकते हैं जो वेरीफाई करें आपको कि आप एक अथॉरिटी वाले बंदे हैं, वो उतना बेहतर है। अब मिसाल के तौर पर अगर जफरुल्लाह भाई डॉक्टर हैं और उन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है
तो वो अपनी एमबीबीएस की डिग्री सर्टिफिकेशन डालें, उसके अलावा उन्होंने जो जो उनके पास हो क्वालिफिकेशन है जो कि वाईफाई एबल है वो डालें, और जितना डिटेल में अपना अबाउट अस लिख सकते हैं लिखें, क्योंकि जब गूगल का ह्यूमन रिसर्च आके वो ट्रस्टवर्दीनेस चेक कर रहा होगा तो ये चीजें मैटर करेंगी, वो उन चीजों को भी आगे चेक करेगा कि हाँ भैया जो इसने इन्फॉर्मेशन दी है क्या ये एक्यूरेट है या नहीं है, क्या ये बंदा ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। ये अबाउट अस पेज उन्हें हेल्प करेगा इस काम के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, अपने पेज को सर्च इंटेंट के लिए ऑप्टिमाइज करें। सर्च इंटेंट के बारे में जफरुल्लाह भाई कुछ अच्छा सा आइडिया, मैं आपको फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब बंदा सर्च कर रहा हो तो वो किस लिहाज से सर्च कर रहा है। अब मिसाल के तौर पे जिस तरह COVID-19 का पैंडेमिक आया हुआ है और लोग ये जानना चाहते हैं कि इसका इलाज क्या है या फिर इसकी वैक्सीन आ गई है, या फिर अगर उनके दिमाग में सवाल होता है कि कौन सी दवाई ली जाए। अब मैं ये जो आपको बात बता रहा हूँ एक्यूरेट नहीं है, बस मैं मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर अगर COVID-19 का इलाज है पैनाडोल की एक गोली, ये मैं आपको वैसे एक राय दे रहा हूँ, ये पक्का आंसर नहीं है, पैनाडोल ना खाने लग जाएगा आप लोग। अब अगर पता है मुझे ठीक है, तो पैनाडोल 19 अगर इसका COVID-19 का इलाज है और आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल बनाना है हाउ टू ट्रीट COVID-19, फिर नीचे आपने उसका पहले नंबर पे मेजर आंसर लिख दिया है कि ये हम रीजनेबल है कि इससे आपका इलाज हो जाए, फिर आपने आगे बता दिया पैनाडोल से इसका इलाज हो रहा है, इससे आपने अपनी इंटेंट भी क्लियर कर दिया और यूजर की जो इंटेंट है उसका आंसर भी दे दिया। एक और क्वेश्चन है कि COVID-19 का वैक्सीन आ गई है, आपने उस तरह का टाइटल बनाया, उस तरह का आंसर बना रहे हैं, उन्हें अलहदा अलहदा कर दिया। अगर आपको लगता है दोनों पे आपको यूजर इंटेंट कम मिल रही है, फिर आप उन दोनों को कंबाइन कर दें। अगर ये अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया तो हम आगे से डिटेल में पढ़ लेंगे, आगे चलते ठीक है। अगर आपने कोई अवार्ड सर्टिफिकेट या क्रेडेंशियल जीते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर तो उन्हें वेबसाइट पे बड़े शौक से लगाए। अक्सर लोगों ने क्या किया था कि उन्होंने काफी ज्यादा डिग्रीज और सर्टिफिकेट किए होते हैं मगर उन्होंने बस वर्बली तौर पे या टेक्सचुअली तौर पे लिख दिया होता है कि ये हमारे पास मौजूद है। अगर आपके पास उनकी फोटोज हैं, उनकी लिंक्स हैं जहाँ से वो वेरीफाई हो सकती हैं तो उन्हें अपनी वेबसाइट पे लगाएं। एक तो आपका ह्यूमन रिसर्चर भी उसे वेरीफाई करेगा और जब कोई रियल ह्यूमन यूजर भी आएगा तो वो भी उन्हें वेरीफाई कर पाएगा, इससे आपकी ट्रस्टवर्दीनेस ओवरऑल इंक्रीज होगी और आपका ईएटी में भी फायदा होगा। आगे चलते हैं ठीक है। अपनी वेबसाइट के लिए अथॉरिटी वेबसाइट से बैकलिंक्स लें। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि गेस्ट पोस्टिंग और बैकलिंकिंग आपके लिए वोट्स का काम करती हैं, और जितने ज्यादा वोट्स मिलेंगे उतनी आपकी अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी और ऑल दैट इंक्रीज होता है। अब उस काम के लिए आप वेब पोस्ट करवाएं, गेस्ट पोस्ट करवाएं, इन्फ्लुएंसर पोस्ट करवाएं, हर वो चीज जहाँ से आपको बैकलिंक अथॉरिटी वेबसाइट से मिल रही है वो आपके ईएटी में काउंट होगा। आगे ठीक है, आपको रिव्यूज मिला करेंगे जो कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट की कैटेगरी के अंदर आती हैं। अच्छे रिव्यूज भी मिलेंगे, बुरे रिव्यूज भी मिलेंगे। गूगल साइट जो पर इस तरह के कई वेबसाइट है जहाँ पे आपने जहाँ जहाँ पे प्रोफाइल बनाई होगी वहाँ पर आपको रिव्यूज मिलेंगे, आपकी वेबसाइट पे भी आपको अच्छे बुरे रिव्यूज मिलेंगे। मेरा मशवरा ये है कि आप उन्हें रिमूव ना करवाएं बल्कि आप उन्हें इस तरह आंसर करें या इस तरह उनके मसलों का हल करें कि वो आपके एम्बेसडर में कन्वर्ट हो जाएं। मिसाल के तौर पर एक आदमी आता है और कहता है कि मैंने आपसे ये फलां चीज ली थी और वो काम नहीं कर रही है या उसमें मेल फंक्शन आ गया, तो आप उसका आंसर करेंगे भैया आप यूं करें ठीक हो जाएगा या उसे रिप्लेस करवा दें। अब वो जो आपका आदमी जो कि आपके लिए नेगेटिव रिमार्क्स लाया था वो फिर पॉजिटिव रिमार्क्स जब देगा तो वो आपकी ट्रस्टवर्दीनेस में ज्यादा काउंट होगी। अब मिसाल के तौर पर आपको सारे के सारे अगर 5-star वोट हैं तो हाँ सारे अगर 5 पॉजिटिव हैं तो आपको अच्छा रैंक नहीं मिलेगा, आपकी ट्रस्टवर्दीनेस बिल्ड नहीं होगी, वो कहेंगे ये फेक हो सकते हैं या कुछ हो सकते हैं। अगर आपके नेचुरल हैं रिव्यूज कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं और जो बुरे हैं उनमें हमने कमेंट किया हुआ है उन्हें बताया हुआ है कि ये आपको ठीक कर सकते हो तो इससे आपकी ट्रस्टवर्दीनेस और अथॉरिटी बेहतर होती है। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ रही है? हाँ जी ठीक है चलें ग्रेट हो गया। आगे चलते हैं, अपनी वेबसाइट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने रखनी है वो अनबायस और एक्यूरेट रखनी है। किसी भी सियासत की, मजहब की या किसी भी अकलियत या किसी की आपने ना हमायत करनी है ना किसी के खिलाफ बात करनी है। वेबसाइट जो है वो आपका बिजनेस है, बिजनेस हमेशा पैसे के लिए किया जाता है, सिर्फ पैसे का सोच के आपने काम करना है, ना आपने मजहब देखना है, ना आपने क्या कहते हैं सियासत देखनी है, ना आपने किसी की कोई और चीज देखनी है ज्योग्राफी जिसना होता है। आपने सिर्फ सिर्फ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी है वो अनबायसली देनी है कि कोई भी उसमें बायस ना हो, किसी की भी आपने फेवर नहीं करनी, किसी को भी आपने अनफेवरेबल शो नहीं करना। ये बात क्लियर है? अब सियासी जो वेबसाइट्स होती हैं ना दो किस्म की होती हैं,
मुमकिन तौर पर आपको सियासी वेबसाइट का भी प्रोजेक्ट मिल सकता है, उसके लिहाज से भी देख लें। जब आपने सियासी वेबसाइट देनी है ना, उसका कोई प्रोजेक्ट करना है, तो उसके अंदर आपने इस बात का ध्यान रखना है, उधर भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन जहां तक उसके एक्यूरेट लिखें, और जो इन्फॉर्मेशन आप एक्यूरेटली नहीं दे सकते उसे आप देना, मिस इन्फॉर्मेशन ना दें। मिसाल के तौर पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यही काम किया था, वो जहां तक हो सकता था एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, और जो सी चीज़ उन्हें लगता था उनके खिलाफ जा सकती है वो इन्फॉर्मेशन वो देते नहीं थे, या वो इस तरह बताते थे कि वो इन्फॉर्मेशन उन्हें एक्यूरेटली लगती थी। ये दोगली बात है मगर ये असर रखती है अभी भी। अब इस कहने का मकसद ये है कि कहते ना हिकमत से बात बतानी है, अब आप अगर पॉलिटिकल वेबसाइट कोई पकड़ेंगे तो उसमें हमने हिकमत से बातें बतानी है सारी, जितना हो सके एक्यूरेट बता दें, और जहां पे आपको लगता है कि ये बात झूठ है या अगर मैं बताता हूँ तो बाद में मैं इधर पक्का जा सकता हूँ या ये चीज ये इफेक्ट करेगी, तो चीज आप ना बताएं, उसे अपने पास विद हेल्प कर लें। आगे चलते हैं। ठीक है, आपका कॉन्टेक्ट पेज जो है और आपसे रब्ता करना जितना आसान होगा उतना बेहतर है। यूजली लोग अपनी वेबसाइट पे बस एक फॉर्म लिख देते हैं, ना अपना नंबर देते हैं, ना अपना ईमेल आईडी देते हैं, कोई भी इस तरह चीज नहीं जिससे वो टेंजिबल हो उसके, जिनसे वो पकड़े जा सके या कॉन्टेक्ट किए जा सके, ना अपना एड्रेस देते हैं, और कॉन्टेक्ट फॉर्म भी कभी चला होता है कभी नहीं चला होता। ये आपके लिए बहुत बुरा फैक्टर है, और ये चीज गूगल को बहुत बुरी लगती है कि जब आपसे आपका क्लाइंट बात ना कर सकता और रबते में ना आ सके, तो ये चीज गूगल के ईएटी के ऊपर बहुत इफेक्ट करती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपकी वेबसाइट पे एड्रेस हो, मैप हो, जितना ज्यादा अपने आपको एक्सेसिबल कर सकेंगे अपने यूजर के लिए, उतना आपके ईएटी पे वो इफेक्ट करेगा। ठीक हो गया, अब ईएटी हमारा कम्प्लीट हो गया है। ऑन पेज ऑफ पेज के बाकी फैक्टर्स को देखते हैं। ऑन पेज ऑफ पेज के बारे में फैजान भाई आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, थोड़ा सा आइडिया दे दें, मैं तो पानी पी लेता हूँ। जी मौसमी, ऑफ पेज जो है ना वो इस तरह से है कि हम मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट के हिसाब से, मतलब जिस तरह वो एक तो पेपर क्लिक वाला था ऑन पेज जो था, ठीक है, और ऑफ पेज जो होता है वो जिस तरह हम अभी जो काम कर रहे हैं वेबसाइट वाला, इस ये वाला। ठीक हो गया, लफला भाई आपके ख्याल में ऑन पेज ऑफ पेज की थोड़ी डेफिनेशन दे देंगे। सर जी, जो वेबसाइट पे रहकर काम करते हैं मतलब उसमें कंटेंट आ जाता है, या आप टेक्स्टर हैं उसके टाइटल टैग जितना भी है वो ऑन पेज में आ जाता है, ऑफ पेज में आपके बैक लिंक्स आ जाते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, वेब 2.0, वेब 2.3 और इंफोग्राफिक्स वगैरह, ये सारा कुछ आ जाता है। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही पहुंचे हैं आप दोनों। फैजान भाई आपको करने की जरूरत है, रसूला भाई आपकी डेफिनेशन बहुत अच्छी थी। अब इसी डेफिनेशन को लेते हुए ना हम आगे चलते हैं। ऑन पेज जैसा कि आपने बताया कि अपनी वेबसाइट को जब आप ऑप्टिमाइज करते हैं, जैसे उसका कोड या उसका कंटेंट या उसका कॉपी जब बेहतर करते हैं, तो आपका ऑन पेज हो गया। ऑफ पेज ऐसे एक्शन हैं जो कि अपनी वेबसाइट से बाहर जाके अपनी वेबसाइट के वोटिंग के लिए बेहतर करते हैं, जो कि लोग आपकी ट्रस्टवर्दीनेस या डोमेन अथॉरिटी पे इफेक्ट कर रहे हैं। फैक्टर्स जैसा कि आपकी बैकलिंक्स जो आ रही हैं, आपकी जो सोशल मेंशन हो रही हैं, या कोई और तरीके से जो आपकी ट्रस्टवर्दीनेस इंक्रीज होगी, तो ऑफ पेज फैक्टर्स में आती है। अब इन फैक्टर्स जो हैं आपकी सर्च इंजन रैंकिंग्स पे असर कर रही होती हैं, और सर्च इंजन रैंकिंग आप देखें। जी जी, जो ऑफ पेज में सबसे मोस्ट जो है पावरफुल टूल वो बैकलिंक्स का ही है। सबसे पावरफुल टूल आपने किस लिहाज से देखे, ट्रैफिक के लिहाज से या अथॉरिटी के लिहाज से? ट्रैफिक के लिहाज से, अथॉरिटी के लिहाज से, डोमेन अथॉरिटी के लिहाज से आपने देखना। ट्रैफिक के लिहाज से बैकलिंक्स ही है कि? जी जी बोले बोले, आप पहले बात भी कर लें। जो ऑफ लिंक ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें जो पावरफुल टूल है जो ज्यादा यूज होता है, जो हमने भी यूज किया था, वो बैकलिंक्स ही है। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लें जी। अब अगर आपका असल मकसद जो है अपनी डोमेन अथॉरिटी बढ़ाना है, तो बैकलिंक से पावरफुल कुछ भी नहीं है। हर बैकलिंक आपके लिए वोट का काम करती है, वो आपकी ट्रस्टवर्दीनेस इंक्रीज करती है। मगर अगर आपका मसला ट्रैफिक लेके आना है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग और एड्स लगाएंगे आप, जो कि आपके ऑफ पेज में अकाउंट होंगे। मैंने कि एसईएम मार्केटिंग, हां सही कह रहे हैं, एसईएम करें, एसईएम मार्केटिंग, एसएमएम मार्केटिंग, ARO, ASO, ये आपके फिर ऑफ पेज में अकाउंट होंगे, अगर आपका मकसद ट्रैफिक लेके आना है। और अगर आपका काम सिर्फ ट्रस्टवर्दीनेस इंक्रीज करवाना है या अपने वोटिंग को बेहतर करवाना है, तो बैकलिंक से पावरफुल कोई भी चीज नहीं है। जी बोले। अगर हमें फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट मिलता है ऑफ पेज के लिहाज से जी, तो उस मतलब के जो उसकी ऑफ पेज में हम ज्यादा काम करेंगे उसके बैकलिंक्स पे करेंगे, और बैकलिंक का अगर हमारे पास कोई बजट नहीं होगा
या मतलब ऑफ पेज का, तो हम क्या फ्री के ब्लॉगर्स वगैरह ये तो किस तरह हम करेंगे? आपने तो काफी काम किया होगा इन पे। जी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि फ्री के ब्लॉग्स कैसे ढूंढे जा सकते हैं, आप उस लेक्चर को एक बार देख लीजिए। उसके अंदर मैंने ना इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस तरह का आप कीवर्ड्स हंट करें और इन कीवर्ड्स को लगा के देखेंगे आपको फ्री में ब्लॉग्स मिल जाएंगे। एक बात ये, और दूसरी समझ आ गया मुझे, मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब आप काम कर रहे हो ना बैकलिंक के लिए और आपको मैंने कहा बहुत कम बजट है, फिर आप ये देख लें कि आप जो भी हो जाए अपनी ग्रामर के लिहाज से गलती ना कीजिएगा। कंटेंट चाहे आप 100 लफ्जों का लिखें चाहे 2000 लफ्जों का लिखें, अपनी ग्रामर की कंटेंट की गलती ना कीजिएगा। उसके ऊपर अगर बैकलिंक हासिल कर लें तो आपके भी फायदा होगा, उसे भी फायदा होगा। अगर आपने गंदे कंटेंट के साथ बैकलिंक हासिल कर ली तो आज अगर फायदा हो भी जाता है आपको बैकलिंक वहां से आ भी जाती है, तो इन द लॉन्ग रन वो आपको पेनलाइज करेगी, गूगल पेनलाइज करेगा या वो बंदा खुद आपको पेनलाइज कर देगा कि आपका आर्टिकल क्वालिटी का नहीं है। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ कि अपना कंटेंट की क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आप लोगों ने, यहाँ तो कोई मसला तो पूछ ले। समझ आ गई, ठीक है चलें, ग्रेट हो गया। अच्छा अब आपकी SAIP जो है वो आप पे इफेक्ट करती है। अब मिसाल के तौर पे जब मैं अपनी वेबसाइट को सर्च करता हूँ गूगल के ऊपर, अभी वो यहाँ पे रैंक नहीं कर रही है क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च की है, मगर जब मैं अपनी पुरानी वेबसाइट को सर्च करता हूँ इधर, पता नहीं वो भी रैंक करती है कि नहीं करती। हाँ मगर वो रैंक कर रही है, इवन तो कि वो मैंने ऑफलाइन कर दी थी। ये दूसरी वेबसाइट है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? एक जो है वो रैंक हो चुकी है, उसका जो है साइट मैप गूगल के पास सबमिटेड है और सब कुछ उसका हुआ हुआ है। दूसरी वेबसाइट जो है वो मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च की है, तो उसका भी ना साइट मैप अपडेट हुआ हुआ है, ना वो उसका वोटेक्स अपडेट किया हुआ है, ना वो मैंने गूगल के ऊपर रैंक करवाई हुई है। अब इन दोनों में फर्क ये है कि आपने अपनी रैंकिंग देखनी होती है, आप किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं और वो रैंकिंग बाई वक्त इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही। अगर तो आपके 5-6 कीवर्ड हैं तो आप उन 5-6 कीवर्ड्स को लिखें और देख लेंगे, और आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है तो उसके लिए आपको SEM रश या फिर कोई टूल करनी पड़ेगी जो कि तमाम कीवर्ड्स पे आपकी रैंकिंग आपको ढूंढ के दे सके। हमें फ्री में ये सारा कुछ मिल जाएगा, ये पेड में ज्यादा बेहतर रहेगा। SEM रश वाली जो टूल है वो आपको फ्री वाली में फायदा नहीं होगा, उसके लिए आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा से जल्द मिले। जी जी, ये जो अमूमन हम न्यू कमर होते हैं या जो भी जिनके पास थोड़ा बजट होता है जी जी जी, तो उनको वो चीजें नहीं मिलती हैं, जैसे अगर हमने कीवर्ड रिसर्च करनी हो या इस तरह के जो हम अपने कीवर्ड्स को देख रहे हैं कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, तो हम फ्री के टूल्स अक्सर गलत इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो काफी ज्यादा एक्यूरेट होती है। अब आपका जो सवाल है ना कि जब आपका बजट कम हो या क्या किया जाए, काम ये गूगल ने जितने भी इस्तेमाल नहीं कर सकते फिर जी जी। अब उसका ये तरीका, जितना भी आपने काम करना है ना सारा काम आप मैनुअली बाय हैंड कर सकते हैं। गूगल ने अपना कोई भी प्लेटफॉर्म इस तरह का नहीं बनाया जो कि आप बाय हैंड या मैनुअली तौर पे ना कर सकें। ये टूल्स का काम बस ये है कि उस काम को तेज कर देते हैं। अब आपने अगर रैंकिंग देखी है तो जिस तरह की हम पहले रैंकिंग करते थे, वन बाय वन आप एक कीवर्ड लिखते थे, फिर आप नीचे आते हैं कि कीवर्ड चेक करते हैं, इनका वो काफी लंबा लेंथी फेस बन जाता है। इस तरह के जितने भी टूल्स हैं वो उसी काम को आपको एक मिनट के अंदर करके प्रोवाइड कर देते हैं। क्रॉलेबिलिटी भी सेम सीन गोस, कीवर्ड के लिए भी सेम सीन है कि फ्री टूल्स मौजूद हैं और काफी अच्छे अच्छे टूल्स भी मौजूद हैं फ्री के अंदर, जिसका काम सिर्फ अपनी ब्रांड की रिकग्निशन दिलवाना है आपको, मगर हंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैं जल्दी एक क्या कहते हैं पेज भी शेयर कर दूंगा जहाँ पे मैंने अपने टूल्स वगैरह लिखे हुए हैं फ्री वाले, आप उनके अंदर देख लीजिएगा जो जो आपके जो सा भी काम हो उस कीवर्ड के लिहाज से या उस काम के लिहाज से वो वाला टूल यूज कर लीजिएगा, उम्मीद आपके लिए भी फायदेमंद होगा। ठीक है बॉस, ठीक हो गया। कोई और क्वेश्चन? नहीं ठीक है। ये ऐसे मेरा क्वेश्चन था लेकिन अब मतलब टाइम काफी हो जाएगा, आप कंटिन्यू पूछ लें कोई मसला नहीं है। हमने 10 बजे वैसे लेक्चर खत्म कर देना क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा है और आपके 4 घंटे लग जाएंगे अगर मैं पूरा लेक्चर दूंगा तो। अच्छा ये जो आप SEM रश पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, ये गूगल का अपना जो कीवर्ड एनालिसिस का टूल है? मैं गूगल पे करूंगा क्योंकि गूगल अगर जी क्योंकि SEM रश भी जो है ना इवन तो बहुत अच्छा टूल है, मैं वो भी गलती कर लेता है, उसमें भी गलती की गुंजाइश हो जाती है, ह्यूमन मिस्टेक हो जाएगी या कोई और गलती हो जाएगी।
गूगल कभी भी गलती नहीं कहेगा, उसमें लेटेस्ट अपडेट एल्गोरिथम होगा और वो मोडिक अपडेट जो है वो भी उसके अंदर एक्युमुलेट होगी भी। एसईएमएस मोडिक अपडेट्स को अपने अंदर इंक्लूड नहीं करता कभी भी। ठीक है बॉस, अब आपका ये सवाल था ना मिस इन्फॉर्मेशन वाला कि अक्सर फ्री टूल्स जो है वो अपडेट नहीं करते, उनका मसला ये है, उनका एक... जी जी उनका मसला ये था, उन्होंने एक बार जी जी बोले हैं। मैं कह रहा था कि जब आप कीवर्ड एनालिसिस कर रहे होते हैं, कीवर्ड की डिफिकल्टी चेक कर रहे होते हैं, ये सारा आपने किसी वेबसाइट को एनालाइज करना होता है, तब आप फ्री टूल्स में अगर देखें, मैं मेरे ये मुशाहदे में आया है, जब मैं सर्च कर रहा होता हूँ तो तब मतलब कि अगर दो तीन टूल्स को देख कर लिया जाए तो सेम कीवर्ड्स की वो डिफिकल्टी और उसके जो सर्चेज हैं उसमें वो काफ़ी मतलब चेंज बता देता है, तो इस लिहाज में कह रहा था कि ये जो फ्री टूल्स हैं वो। समझ गया हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना जैसे कि मैं आपको बताने वाला था कि मोडिक अपडेट्स होती हैं गूगल के अंदर जो कि कंप्लीट रोल आउट नहीं होती हैं, मगर आपके पूरे एल्गोरिथम पे वो इफेक्ट कर रही होती हैं। अब होता यूँ है कि जब आप एक टूल बनाते हैं ना फ्री टूल की, तो उसे आप बार बार अपडेट नहीं कर सकते फ्री टूल को, क्योंकि उससे आपको फाइनेंस नहीं मिल रहा होता, तो एक बार बनाते हैं टूल बना के वो वेबसाइट पर छोड़ देते हैं, अब वो बाय टाइम वो पुराना हो जाता है उसका एल्गोरिथम, उसके जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं वो थोड़े से वो आउट ऑफ डेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपको रिजल्ट मिल रहे होते हैं वो एक्यूरेट नहीं मिल रही होती हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात आप पहले कह रहे थे। तो इसलिए जितने भी फ्री टूल्स हैं उनमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी होती है जो कि आप कभी भी एक्यूरेट नहीं दे सकती हैं। अब जो आपका क्वेश्चन है कि फ्री टूल्स के अंदर वो एक ही अमाउंट के ऊपर दो अलग अलग कंपेयर करें तो ये मसला आ रहा है, तो सही है। हाँ, तो उसका यही मसला है कि वो मोडिक अपडेट उस पर असर कर रही हैं। अब जब तक वो मोडिक अपडेट अपने अंदर एल्गोरिथम में अपडेट नहीं करेंगे तो असर करती रहेंगी और कभी भी आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो फ्रीमियम जो पेड टूल होती है उसका ये होता है उन्होंने अपडेट करते रहना होता है बार बार, उन्हें वहाँ से पैसे आ रहे हैं, जब आपके पैसे जनरेट हो जाएंगे आपसे अपडेट करेंगे तो मोडिक अपडेट उसमें इंक्लूड होगी, जब मोडिक अपडेट इंक्लूड होगी तो रिजल्ट आपको उतना एक्यूरेट मिलेगा। क्या ये बात कोई मायने रखी है? अक्सर यूजुअली मेरी बातें पता चली जाती है, कोई बात समझ आई है मेरी? ऐसे नहीं, कुछ थोड़ी थोड़ी आ गई है। अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अच्छा, अभी अगले 15 मिनट के अंदर मैंने आपको 10 एक के फैक्टर्स पढ़ाने हैं, उम्मीद है मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ा दूंगा, अगर ना पढ़ा सके तो फिर हम जितनी कर लेंगे उतने ठीक है, और फिर बाकी का काम आज रोक के फिर दोबारा यहीं से रैंकिंग फैक्टर्स को हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है भाई जान? ठीक है। पहले रैंकिंग फैक्टर है आपकी वेबसाइट सिक्योर एक्सेसिबल होनी चाहिए। सिक्योर एक्सेसिबल से क्या मुराद है भाई, आप बता सकते हैं? ये नॉट, ये मैं तो यही बता सकता हूँ कि जो HTTPS सिक्योर वो जो है मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि जी जी बोले से निकल गया, बता देना, कोई मसला नहीं है। आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, ये सिक्योर नहीं है आपकी वेबसाइट। अच्छा, अब मैं आपको दो वेबसाइट बता रहा हूँ, अब ये भी वेबसाइट है और ये भी वेबसाइट है। गूगल ने कैसे ये बात डिफाइन कर लिया ये सिक्योर नहीं है और ये वाली सिक्योर, हालांकि वेबसाइट तो सेम है, उसने क्यों ये कहा ये वाली वेबसाइट सिक्योर है ये वाली वेबसाइट सिक्योर नहीं है? ये एक वेबसाइट के यूआरएल में स्टार्ट में आपने HTTPS लिखा है, एस की वजह से आपके वो सिक्योर है, अभी ज्यादा डिटेल में तुम ये एस वाली है जी। ये HTTPS क्या चीज है? Hypertext Transfer Protocol Secure. जी बिल्कुल, ये ना एक सिक्योर प्रोटोकॉल है जो कि HTML के लिए यूज की जाती है, मतलब कोडिंग या किसी भी कोड या वेबसाइट को एक जगह से ट्रांसफर दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर जी ये सिक्योरिटी इसलिए लाएगी क्योंकि इससे पहले आपकी वेबसाइट का जो डेटा था वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाता था तो उस कनेक्शन के अंदर आप अपना मिरर डाल दो और मिरर से जो भी इंफॉर्मेशन आगे पीछे जानी होती थी वो आप बीच में से चोरी कर सकते थे, मगर अब ये है कि उन्होंने पहले आपका कनेक्शन एक जगह से दूसरी जगह पॉइंट ए से पॉइंट बी पे बनाना है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कनेक्शन बनाने के बाद उन्होंने इससे सिक्योर कर देना है कि बाद में अपना मेरा ना डाल सको। मैं इसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए तो। एक ही वेबसाइट को आपने सिक्योर तरीके से ओपन किया है, उसी को आपने अनसिक्योर से ओपन किया है, तो जब भी आप SEO के लिहाज से देखेंगे तो ये तो आप कह रहे हैं कि आप कोडिंग में जाएंगे HTML की कोडिंग में इसके हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो यूज करेंगे, तो इस लिहाज से हम इधर जब SEO की लिहाज से बात करेंगे तो कैसे होगा ये? एक सेकंड देना मुझे, इससे पहले कि मैं आपको कोडिंग और बाकी चीजें बताऊँ मैं आपको पहले बता दूँ कि ये काम कैसे करती है HTTPS वाली जो प्रोटोकॉल है।
अब समझेंगे ये हमारा सर्वर है ए जो है, ठीक है, और ये ड्राइंग के ऊपर ना जाइएगा, बस पॉइंट से होने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा और ये हमारा वेबसाइट जो हमारा कंप्यूटर है ये वो है, ये ए और ये बी है। पहले जमाने में होता यूँ था कि हमारा कंप्यूटर यहाँ से पॉइंट बी से पॉइंट ए को कहता था मुझे ये वेबसाइट चाहिए, पॉइंट ए वहाँ से वो वेबसाइट भेजना शुरू कर देता था एसेट्स की शक्ल के अंदर। ये एच टी टी पी प्रोटोकॉल के जरिए यूँ होता था, ये थोड़ी तेज है मगर ये सिक्योर नहीं थी। मगर फिर ये होने लगा कि आपने यहाँ से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शुरू कर दी, पैसे सिक्योर इन्फॉर्मेशन या ऐसी चीज़ें जो कि आपके खिलाफ बाद में यूज होते हैं वो चीज़ें भी वेबसाइट के जरिए ट्रांसफर करने लग गए थे, तो सिक्योरिटी की जरूरत होगी। अब सिक्योरिटी फिर हैक होने लगी, लोग क्या करते थे पॉइंट ए और पॉइंट बी के अंदर अपना मिरर लगा देते थे कि पॉइंट बी और पॉइंट ए के दौरान में जो भी इन्फॉर्मेशन जाती थी इसके अंदर से होके जाती थी, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप इधर गैदर करी जा रहे थे पूल के अंदर, फिर वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप फायदे में अपने फायदे के लिए यूज कर रहे थे। फिर गूगल ने कहा ये भाई सिक्योर नहीं है, आप सिक्योर प्रोटोकॉल बनाओ। अब ये होता है कि जब आप एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल लगा के कोई भी काम करते हो या सिक्योरिटी हासिल कर लेते हो तो पॉइंट बी से पॉइंट ए पे पहले रिक्वेस्ट जाती है कि भाई मुझे ये वेबसाइट चाहिए, वो कहता है ठीक है आप पहले अपना प्रोटोकॉल सेव कराओ, सेफ हो गया फिर वो यहाँ से एक और कनेक्शन भेजता है और देखते हैं सिक्योर हो गई है। जब ये दोनों सिक्योर हो जाते हैं फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन शुरू होती है डेटा की, यहाँ से वो एसेट्स पिक्चर्स फोटोज कोड स्निपेट ऑल दैट जो डेटा है ना, फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन शुरू होती है। अगर ये ना हो तो फिर ट्रांजेक्शन रुक जाती है और फिर से दूसरी प्रोटोकॉल यानी कि नॉर्मल एच टी टी प्रोटोकॉल के जरिए डेटा ट्रांसफर करता है। हाँ जी जफरुल्लाह भाई अब आपका सवाल पूछे, क्या सवाल था आपका? समझ लगे ये तो अब कोडिंग के लिहाज से है ना, आप कह रहे थे कि HTML में सारा करता है, जब SEO के लिहाज से हम बात करें या अपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए तब हम ये प्रोटोकॉल कैसे यूज करें या इसके लिए भी हम बात करें? मेरे क्वेश्चन को आप समझ गए हैं वैसे? नहीं मैं मगर मुझे लगा है मैं आपके सवाल का जवाब अपने अगले दो बातों में कह दूंगा क्योंकि आगे इसी बात हमने काम करना है। ठीक है दो मिनट दे दें, अगर आपका सवाल का जवाब ना मिला फिर मैं आपसे दोबारा पूछ लूंगा By the end of this, okay, हो गया। अच्छा तो ये अभी स्लाइड आपको दिखाई दे रही है? जी जी समझ गया। चलो ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन है अपनी वेबसाइट को अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।